हेलो फ्रेंड्स, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट्स वो है जारी कर दी गई है। तो अगर आपको बीएससी, एमएससी या अन्य कोर्स करना है तो आप जाके अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फीस की जो डिटेल्स हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई टू 27 अगस्त। और दोस्तों लास्ट डेट जो है इसकी 27 अगस्त से आप पता होगा। और इस आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप फीस जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी, एमटेक, एमपीएच, एमए, एमएससी, एमसीए, पीजीडी के लिए आप नंबर ऑफ चॉइस के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस हैं। और जनरल की अलग दी हुई है, एसटीएससी और ओबीसी वालों की अलग दी हुई है, और बीपीएल वालों के लिए अलग दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए हॉन्स, ये है बीए जो ऑनर्स वाले जो बीए ऑनर्स हैं उसके लिए, बीएससी, एमएससी, इंटरग्रेट एंड ऑल पार्ट टाइम प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे अलग अलग फीस जो है डिवाइड की हुई है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप भर सकते हैं। ये देखिए, ये करेक्शन इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली 1 सितंबर 2021। और जो एडमिट कार्ड जो है वो आपको एनटी की वेबसाइट से मिलेगा 8 सितंबर 2021 को। डेट्स ऑफ एग्ज़ाम ये देखिए आप दोस्तों, 20, 21, 22, 23 सितंबर को आपके जो है एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, 3 घंटे का होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेशन 9:30 से 12:30 और जो है सेकंड जो है 2:30 से लेके 5:30। तो दोस्तों आप डायरेक्ट वेबसाइट से भर सकते हैं जाके, या फिर आप एमपीओ लोन के थ्रू इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आज सब्जेक्ट के लिए आप इसमें भर सकते हैं। सब्जेक्ट के डिटेल्स जो हैं दोस्तों वो नीचे है। अब मैं बताता हूँ आपको, आप सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बहुत से सब्जेक्ट के लिए भर सकते हैं, जैसे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, सोशल साइंस, देखिए लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बहुत से सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यह टॉप 10 के अंतर्गत आती है दोस्तों यूनिवर्सिटी। तो आप अगर यहाँ से करना चाहेंगे तो कोई भी कोर्स तो आप के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। ठीक है दोस्तों।